नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शेफ पीयूष और आपका स्वागत है एक और बार हमारे पेज और चैनल पे। और आज एक बहुत ही छुपी हुई रेसिपी लेके आए हम, जो कि उत्तराखंड से, जो कि है आलू के गुटके। तो चलिए पहले रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो आलू तो कई प्रकार के बनाए जाते हैं हिंदुस्तान में, और हर एक रीजन में एक स्पेशलिटी होती है आलू के। उसी तरीके से उत्तराखंड में बनाए जाते हैं आलू के गुटके। और मेरी कोशिश यही है कि बहुत सारी खूबसूरत रेसिपीज़ हैं इंडिया के ऑल अराउंड स्कैटर्ड, जो रेस्टोरेंट कल्चर में नहीं एंटर कर पाती है, बट विलेजेस में, टाउन में बहुत ही खूबसूरत बनती है। तो मैं वही आपके लिए लेके आना चाहता हूँ। तो चलिए इसी के साथ रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो एक पैन में मैंने तेल गरम कर लिया था। अगर आपके पास सरसों का तेल है तो डेफिनेटली सरसों का तेल ही इस्तेमाल कीजिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं था तो मैंने तेल इस्तेमाल किया है। उसी के साथ साथ मैंने उसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को डाल के फ्राई कर लिया। जैसे ही फ्राई हो जाता है उसमें अखा या खड़ा धनिया और जीरा, इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। और इसको फ्राई करने के बाद हम एक पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पानी शामिल करके। अब वो हमारा फ्राई हो चुका था, उसको ऐसे मैंने पेस्ट बना लिया, थोड़ा सा पानी डाला था, बहुत ज़्यादा मत डालिए, एकदम हल्का सा ही पानी डालिए। उसी के साथ साथ नेक्स्ट प्रेपरेशन की चालू करते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी, बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आपके पास बॉइल्ड पोटैटो है तो ज़रा भी टाइम नहीं लगता है। तो मैंने तेल डाल दिया है, अब मैं इसमें राई डाल रहा हूँ। अगर आपके पास जखिया अवेलेबल है तो जखिया का इस्तेमाल कीजिए। जखिया उत्तराखंड की बहुत ही खूबसूरत स्पाइस है, उसे वाइल्ड मस्टर्ड भी कहा जाता है। बहुत ब्यूटीफुल नटीनेस लेके आती है वो डिश में। तो मेरे पास नहीं थी तो मैंने मस्टर्ड सीड्स का इस्तेमाल किया। उसी के साथ साथ सूखे मसाले डाल रहा हूँ। सूखे मसालों में मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला और थोड़ा सा नमक शामिल किया है। और जैसे ही वो फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि तेल गर्म है, कुछ ही सेकेंड लगेंगे, जो हमने पहले पेस्ट बनाया था मसाले का वो डाल दीजिए। इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लीजिए और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। तो पानी मैंने वही पेस्ट के बोल में ले लिया है। आप भी हमेशा ये टेक्निक दिमाग में रखिए, जब भी आप कुछ पेस्ट बनाते हैं हमेशा उसमें ही पानी डालिए, क्योंकि सारे फ्लेवर्स जो होते हैं कटोरी में या बोल में वो आपके खाने में आ जाएंगे। अब जो हम हमेशा चाहते ही हैं कि सबसे ज़्यादा फ्लेवर निकाल पाए अपने इंग्रीडियंट्स के। अब उसी के साथ साथ ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया, और इसे मिक्स कर दीजिए। और इसके बाद इसमें आलू डालेंगे, टॉस करेंगे, 2 मिनट लगभग पकाएंगे और आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी। जी हाँ, इतनी ही सिंपल रेसिपी है। अगर आपके पास उबले हुए आलू रेडी है तो आपको 5 से 7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं। तो बस 2 मिनट मैंने पोटैटो सौते कर लिए, ताकि थोड़ा सा क्रस्ट आ जाए उनमें, और हम रेसिपी के अंत पे भी आ गए। जी हाँ दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ही शॉर्ट है, बट खाने में उतनी ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल है। सो थैंक यू सो मच गाइस हमारा वीडियो देखने के लिए और हमें अप्रिशिएट करने के लिए इतने सारे पुराने वीडियोज़ के लिए। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी सपोर्ट कीजिए। हमारा आईडी है chef_with a tattoo। अगर आप यूट्यूब पर नए हैं तो डेफिनेटली बेल आइकन को हिट कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए बेहतरीन रेसिपीज़ देखने के लिए। आपकी अप्रिसिएशन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत मेहनत लगती है रेसिपीज़ बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू।